हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर है जिनको बहुत कम देखभाल में आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि पहला प्लांट ये है फ्रेंड एडेनियम। एडेनियम तो आपको सबको पता ही होगा, ये कितना ही कम देखभाल में चलने वाला और बहुत ज़्यादा फूल देने वाला, और इसके फूल जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसको जब ये फ्लावरिंग के टाइम पर रहता है तो इसका पानी का ध्यान देना होगा फ्रेंड। अगर ये फ्लावरिंग में रहता है, हम अंडर वाटरिंग करते हैं, तो इस तरीके से जो कलियाँ बनी हुई रहती है वो कली ख़राब हो जाती है और उसमें फूलों की ग्रोथ ही नहीं होती है। यानी प्लांट थोड़ा बहुत अपने फ्लावरिंग को ख़राब कर देता है जो अच्छी ग्रोथ में रहता है। तो फूल रहने के टाइम पे जब फूल आए हुए रहते हैं इस तरीके से, उस टाइम पे आपको सिर्फ इसका पानी का ध्यान देना होगा, अंडर वाटरिंग नहीं करना है। बाकी टाइम पर आप अगर पानी इसको 2-3 दिन में भी एक बार देते हो तो चलेगा। और दूसरा ये है फ्रेंड, ये रोज़ का प्लांट है, ये भी एक तरह का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही कम देखभाल में चलता है। सेम जैसे कि आप गुलाब को एडेनियम की तरह ही केयर करो, सेम गुलाब भी वैसे एडेनियम की तरह ही चलता है फ्रेंड। लेकिन उसमें अगर अंडर वाटरिंग होती है तो फ्लावरिंग में, ग्रोथ में, सब में ख़राब असर पड़ता है। जैसे कि उसके पत्ते भी इस तरीके से पीले होकर ख़राब होने लगते हैं। और उसके बाद है ये टिकोमा का प्लांट, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, एक साल भर फूल देने वाला प्लांट है। सेम सब कुछ वैसे ही इसको भी केयर करना है जैसे हम रोज़ के प्लांट को करते हैं। ये जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट है, जितने भी ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं फ्रेंड, सबको वैसे ही केयर करना होता है जैसे सबकी एक ही केयर होती है। यानी कि और आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें भी गुच्छों में फ्लावरिंग अभी भी आ रही है फ्रेंड। और यहाँ पे ये मेरा छोटा छोटा सा कटिंग था फ्रेंड ये, लेकिन अभी बहुत अच्छी ग्रोथ में है, इसका नाम यूफोरिया मिली है। और ये गलाडिया का प्लांट है फ्रेंड, ये भी बहुत ही कम देखभाल में समर का, यानी कि इतना सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, मैं क्या कहूँ। एक बार आप ला के लगाते हो तो ये अपने आप ढेरों प्लांट मल्टीप्लाई करता है सीड के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स नीचे ग्रो हो गए। अगर इस प्लांट की मैं हार्ट प्रूनिंग करके इनको निकाल भी देती हूँ तो उसमें से भी नए ब्रांच आएंगे इस प्लांट में से भी, और यहाँ से भी आप देख सकते हो इसके नए नए यानी कि ब्रांच ग्रोथ में आ गए हैं। और ये है विंका का प्लांट सदाबहार, जो मैंने बहुत बार दिखाया है, बहुत कम देखभाल में चलने वाला होता है सदाबहार। और इस तरीके से इसके सीड पॉड बनते हैं यहाँ पर फ्रेंड, और सीड इधर उधर बिखर जाते हैं, बिखरने पर इस तरीके से अपने आप ढेरों पौधे ये मल्टीप्लाई कर देता है। यहाँ पर फ्रेंड ये रजनीगंधा का, और इसको ट्यूब रोज भी कहते हैं, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है और बल्ब वाला प्लांट है, तो इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे है ये रंगून क्रीपर, आप देख सकते हो मैंने अभी तक इसमें कोई खाद वगैरह नहीं दिया फ्रेंड। आप देख सकते हो इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा सख्त हो गई अभी अंडर वाटरिंग जैसा, लेकिन आप देख सकते हो इसमें अपने आप फ्लावरिंग शुरू हो रही है, इस तरीके से गुच्छे में फ्लावरिंग आ रही है। तो नेचर ने इनको ऐसा बनाया है, आप खाद दो नहीं दो, लेकिन थोड़ी बहुत केयर के साथ ही ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग में आता है। और ये है अलामांडा, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है, एक बेल वाला प्लांट है, तो इस प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। और यहाँ पे है ये बुद्धा वेली, आप देख सकते हो इस तरीके से फ्लावरिंग करता है और उसके ढेर सारे सीड बनते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड इसमें थोड़ी सी मैंने यानी कि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो किस तरीके से प्लांट ग्रोथ अपनी ख़राब कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मिलीबग का अटैक हो गया, और यहाँ पे भी तो रमज़ान शुरू होने वाला था, मैं कुछ अपने रमज़ान की तैयारी में थी, रोज़ों की तैयारी में थी, और मैंने कुछ थोड़ी बहुत इनमें ध्यान नहीं दिया मैंने, तो इस तरीके से पौधा ख़राब होने लगता है। तो अपने प्लांट्स को जब आप पानी देते हो तो चेक करके साथ ही साथ उसमें से कीड़ों को वॉश करके हटा दिया करें, और नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। हम जब थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं, यानी थोड़ा बहुत हम देखते हैं अभी तो थोड़ा सा ही लगाया, बाद में क्लीन कर लेंगे, तो ऐसे करते करते क्या होता है, इस तरीके से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मुझे इसके लिए तो हाफ़ एन आवर लगेगा, आधा घंटा लगेगा करीब करीब इसको ठीक करने में, तो उससे अच्छा है 5 मिनट में काम हो जाता अगर मैं ये काम को पहले ही कर लेती तो। और इस तरीके से यहाँ पे है ये ब्लीडिंग हार्ट, अभी ये फ्लावरिंग में नहीं आया फ्रेंड, लेकिन ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया था और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे नए ब्रांच आ रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड ये एक्जोरा का प्लांट है, एक्जोरा के भी ढेरों कलर आते हैं, आप देख सकते हैं इसके फ्लावर इस तरीके से बंच में आते हैं फ्रेंड, और इसका ये ऑरेंज कलर है, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, और इस पौधे को भी लगाना बहुत सही रहेगा, साल भर इस तरीके से ही फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर ये जत्रोफा, ये भी इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, ढेर सारे सीड के द्वारा प्लांट मल्टीप्लाई करते रहता है ये। यहाँ पे ये चंपा का प्लांट फ्रेंड, ये भी बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला होता है, और कटिंग के द्वारा इसके आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में जा रहा है, मैंने अभी तक इसमें कोई खाद नहीं दिया, सिर्फ फंगिसाइड पाउडर और वुड ऐश का यूज़ किया था फ्रेंड इसकी मिट्टी में। और ये इसकी कटिंग है जो मैंने पहले भी दिखाया अपने वीडियोज़ में कि इसकी कटिंग बहुत अच्छी ग्रोथ में चल रही है।
तो ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट थे फ्रेंड, जिनको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। अभी सही समय है इनको खरीदने का। और ये है कनेर का प्लांट फ्रेंड, ये इस तरीके से पिंक कलर के फ्लावरिंग में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा अंडर वाटरिंग हो रही है फ्रेंड, दो बार पानी देना पड़ रहा है अभी धूप में यहाँ पे। और ये नाग चंपा का प्लांट है, और ये कटिंग था, मैंने कटिंग को लगाया था। बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ हो गई, इस तरीके से गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। और ये हिबिस्कस का प्लांट है फ्रेंड, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है वाइट कलर के। मुझे हिबिस्कस का प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ हिबिस्कस के मेरे पास ढेर सारे कलर हो। और ये है कनेर का दूसरा वाला कलर यहाँ पे, ये और एक हिबिस्कस का कलर फ्रेंड। इसकी मैंने अभी थोड़ी बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी थी कुछ दिन पहले, आप देख सकते हो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद यहाँ पे कितनी अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है और इस तरीके से कलियाँ बन रही है फ्रेंड। ये वाला प्लांट फ्रेंड मैंने पहले भी दिखाया है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया था कहीं से ला के। तो आपको अगर इसका नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पे ये मोगरा का प्लांट है फ्रेंड, ये सुई मोगरा है, और यहाँ पे ये वो और एक मोगरा होता है ना वो है। तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो गई थी, तो फ्लावरिंग होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे पिंच करना होगा फ्रेंड इसको, और ज़्यादा इसमें ब्रांच पाने के लिए और फ्लावरिंग को लाने के लिए। इस तरीके से मोगरे के प्लांट को भी अभी लगाना सही रहेगा फ्रेंड। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा फूल चाहिए, साल भर फ्लावरिंग चाहिए अपने पौधों में, तो इन पौधों को आप ज़रूर लगाएं। और मैंने गिनती नहीं किया है कितने पौधे हैं। और यहाँ पर है ये जूही का प्लांट फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ में जा रहा है। ये तो ऊपर रेलिंग में इस तरीके से चढ़ गया है फ्रेंड, तो अभी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अभी सही समय है फ्रेंड इनको भी लेने का। ये जूही का प्लांट है, तो इस जूही के प्लांट को भी अगर आप लेना चाहते हो तभी आप ले सकते हो। और यहाँ पे है, मैंने वो बोगनविलिया का प्लांट यहाँ पे ला के रखा है फ्रेंड। तो बोगनविलिया का भी बहुत सारा कलर आता है, तो इस टाइम पे इसको भी लेना सही रहेगा। तो आप ज़रूर लें क्योंकि इसके बहुत सारे कलर आते हैं। ये वाइट कलर का है और एक मेरे पास पिंक कलर का है फ्रेंड, लेकिन अभी उसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। तो ये सारे पौधे ऐसे हैं, बहुत ही कम देखभाल में चलते हैं, ढेर सारे फूल देते हैं, तो इन पौधों को ज़रूर लें। तो आपको कम देखभाल में बहुत ज़्यादा फूल चाहिए तो इन पौधों को ज़रूर लगाएँ। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में।